नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। खरौंधी से हमारे संवाददाता चंदन द्विवेदी की रिपोर्ट। खरौंधी कुपा पंचायत में खरौंधी बीडीओ द्वारा फीता काटकर दीदी बाड़ी योजना का किया गया शुभारंभ। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूं कि आज खरौंधी प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र छोटन उरांव तथा खरौंधी उप मुखिया गोरखनाथ चौधरी ने थाना क्षेत्र अंतर्गत कुपा पंचायत में फीता काटकर दीदी बाड़ी योजना की कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभा को संबोधित करते हुए उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी ने कहा कि दीदी बाड़ी योजना समूह के सभी महिलाओं के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। समूह के सभी महिलाओं द्वारा अपने खेत में सब्जी उगाने के लिए सरकार द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जिससे समूह की महिलाएं अपने खेत में अन्य हरी भरी सब्जी को लगाकर कुपोषण को दूर कर सकती हैं, साथ ही बाजार में सब्जी बेचकर आत्मनिर्भर बनेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि खरौंधी प्रखंड के सभी गांवों में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे और खेती करने के लिए सरकार सभी तरह की योजना के समूहों के माध्यम से महत्वपूर्ण विकास की किरणों को प्रत्येक गरीबों तक पहुंचाया जा सकेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि सभा को संबोधित करते हुए खरौंधी उप प्रमुख ने कहा कि पोशाक देना, आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार वितरण करना इत्यादि कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ श्री चौधरी ने कहा कि आप सभी समूह को अच्छा से संचालन करें ताकि खरौंधी प्रखंड गढ़वा जिला में पहला स्थान प्राप्त कर सके। मौके पर DPM तेजू सिंह करवार, BPO अरुण देव सिंह, LCRP किरण देवी, GRP सुनीता देवी, GRP रीमा देवी, मुखिया बैजू रामबीर सिंह, पंचायत सेवक परमाराम, ग्राम संगठन के अध्यक्ष मनी देवी, पन्ना देवी, संगीता देवी, सबीता देवी, साहित सखी तथा मंडल के सभी महिलाएं उपस्थित थे। दूध सहिया है सरकार द्वारा साफ निर्देश है कि गर्भवती अवस्था में निश्चित रूप से उनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए और पौष्टिक आहार सब्जी से मिलता है। वह पौष्टिक आहार सब्जी से मिलता है, ऐसा नहीं कि राशन और चावल से खाली पौष्टिक आहार आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको इस सब्जी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए, आपको पौष्टिक आहार देने के लिए आज पन्ना देवी जी के खेत में और किसके दो को बताया था, बिफिनी देवी कि खेत से आज प्रारंभ शुरुआत हो रहा है। आप लोग इसको खेती को आगे करिए और निश्चित तौर पर 2 डिसमिल से प्रारंभ करना है। मेरी भी पत्नी है, पता नहीं आजकल खूब एगो मोबाइल लेके फोटो तेरी की हमारा खेती करवाना है तिरवाना, तुमको खेती करवाओगी यार? मार लहसुन प्याज को भी घर के पास हो गया तो अपनी कितना में कहा होगा खेती करना है। तो हम लोग विद्या साहब कहते घर में सब तलीकरण करवाते हैं तो नहीं, 2 डिसमिल में करना है। छोटा सा स्कीम फोन आया, आप समझ लीजिए कि तेजू जी इतना तेज कर दिया सही महिलाओं को कि हमारा भी बात नहीं मानती है। अपने स्वयं फोटो अपने तीर के व्हाट्सएप करके फोटो तिरवा के और वेबसाइट लगाई, रिकॉर्ड में कहीं लगेगा फोटो। आपको आगे आना है, जिस तरह आपका पति आगे आके समाज सेवा करते हैं, हमारे मुखिया जी जिस तरह है, उनकी पत्नी भी मणि देवी जी सहित यहाँ पर है, अध्यक्ष हैं ग्राम संगठन का, आप पर कहाँ है, आप लोग कहें क्या है, मुखिया जी की पत्नी है तो बढ़िया तय करिए। आपको पर सारा निर्भर है, आपको समूह को चलाना है, आपको सभी महिलाओं को एक्टिव करना है। आपके नेतृत्व में पूरे कुपा में ऐसे ऐसे कम से कम 100 जगह करवाइए। हमारे BPO साहब आप लोग के लिए तैयार है मजदूरी देने के लिए। आप 100 यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, 100 जगह दीदी बाड़ी योजना शुरुआत कीजिए ताकि कुपा से सब्जी राष्ट्रगान और गढ़वा के धरती से जाए और आप लोग आप हीरो बने, आप लोग पैसा कमाइए। कुपा में 75 सेक्शन हुआ अभी तक, 25 में बाकी है, 100 इसीलिए टारगेट रखे थे। मेलवाड़ से फुआ मरेल बा का फुआ तुम भी चालू करो, तुरा भी गोबर काफी है, जब भी खाद है खुद बनाती है। आप लोग सभी को मिल करके आप लोग इसको आगे ले जाइए। यह कार्यक्रम सभी गांव में होगा और हमारे सारे सुनीता जी, उन्हें रीमा जी, किरण जी, सारे लोग आप लोग सहयोग करके, उन्हें हमारे को बेटी है, सब कोई ये सहयोग करके आप लोग इसको आगे ले जाइए और निश्चित तौर पर हम लोग इसको देखभाल करते रहेंगे। BPO साहब का काम है, बीच बीच में हमारे रोजगार सेवक है, BPO साहब है, पंचायत सेवक है, मुखिया जी के यहाँ घरे हैं, बीच बीच में हम लोग देखेंगे।
और आपका सब्जी आपको पैसा देकर कीनेंगे हम लोग, ऐसे फ्री में देकर आएंगे तो नहीं ले आएंगे। निश्चित रूप से आपसे डिहवार बात से ही हम विनती करेंगे। अब आप लोग भी डिहवार पूरा तैयार लीजिएगा ताकि इन्होंने न मत खेती होके बहुत आता है जानवर जंगल से। रैया डिहवार को बढ़िया विनती करके हाथ जोड़ के और सहयार के, हम लोग भी मुखिया जी हम लोग भी रैया डिहवार है, हम लोग भी सब नहीं समझना होगा आप लोग को, हम लोग को भी आपके योजना को बताना पड़ेगा तब जाके जानेंगे ना कहाँ आपको योजना फसल है, कहाँ आपको डिमांड नहीं हो रहा है, कहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग बड़े दैवित है, आपका सेवक हम लोग है, आपके घर तक आपका समस्या को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आज से शुरुआत हो रहा है हमारे काफी वीडियो साहब ने अपना बहुमूल समय निकालकर इस कृपा के धरती पर आपका प्यार और स्नेह दे रहा है और कार्य करने में हमारे वीडियो साहब विश्वास रखते हैं। आज तक कोई इतना वीडियो चन्ना खोखा जितना दौरा कर दिए होंगे लगता है, कोई वीडियो हमारे नहीं किए थे इतना। बिहार का बॉर्डर है, जंगल एरिया है, इसके बावजूद भी हमारे वीडियो साहब ने 7 बजे रात्रि तक 10 बजे रात्रि में भी चन्ना खोखा का सर्वे करके हम सभी के विकास के लिए दिन रात करते हैं। तो आपको सहयोग करके हम लोग सब आप देखे होंगे ये माला, एक माला उदाहरण है, फूल में जब फूलता फूल खिला होगा तो सिंगल होगा और इसी माला को गुथने के बाद एक माला तैयार हुआ और इसे आप सभी को स्वागत करते हैं, आप सम्मान देते हैं। अगर आप एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर आपका सम्मान पूरे गांव और समाज देगा, आपके परिवार देगा। आपको एकजुट होने की आवश्यकता है, एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।